हाय, गुड मॉर्निंग गाइस. सो वेलकम बैक टू आवर चैनल. सो आज हम लोग का गोवा पे सेकेंड डे है. कल हम लोग रात को आए हैं और कल डिनर में बात करते करते काफ़ी लेट हो चुका था और हम लोग डिनर फिनिश करके जल्दी आके रूम पे सो गए. बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कल, तो नींद काफ़ी अच्छी से हुई है कल. अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. एक बार ब्रेकफास्ट फिनिश करके फिर हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी टूर के लिए. आपको दिखाएंगे कि कैसी जगह है. काफ़ी अच्छा है, लोग ज़्यादा नहीं है तो क्राउडेड नहीं है, खाली खाली जगह है. और अभी जो मैं जहाँ से आ रही हूँ, ये मेरा रूम का एंट्रेंस है एक्चुअली. तो मैं रूम अपना आपको दिखाती हूँ एक बार ब्रेकफास्ट करके फिर वापस आके. इतने महीने बाद इट इज़ सो रिलैक्सिंग टू कम आउट ऑफ योर हाउस. वैसे सेम ही जगह है जहाँ पे हम लोग कल डिनर कर रहे थे, वहीं पे ब्रेकफास्ट भी सर्व होती है. बट ब्रेकफास्ट का आइटम्स क्या क्या है आज चल के देखते हैं वहाँ पे फिर से एक बार. यहाँ से है मेन एंट्रेंस, तो यहीं से हम लोग का भी जाना है. वहाँ पे एक गणेश जी की मूर्ति भी है. आप थोड़ा सा देख सकते हैं वहाँ पे हम लोग की कार दिख रही है ऑरेंज कलर की. लीला का जो आर्किटेक्चर है, जो भी मतलब वो लोग का जो आर्किटेक्चर, वो बहुत ही प्यारा है. आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है. अंदर पे और भी अच्छा है, काफ़ी सारे मूर्ति वगैरह है अंदर पे, तो बहुत ही प्यारा है ये. मुझे बहुत अच्छा लगा लीला का. सो देख सकते हो आप कितना प्यारा यहाँ पे आर्किटेक्चर है, यहाँ का डिज़ाइन वगैरह कितना प्यारा है. जो कि हम लोग का स्पेशली फॉर द फॉरेनर्स, हम लोग का जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे. और दोनों साइड पे लगून है. और ये पुराने स्टाइल के कुछ पहले के ज़माने में जैसे हम लोग दिए जलाते थे, तो वो है लगा हुआ यहाँ पे. चलिए चलते हैं, बहुत जोर से भूख लग गई है. और ये मेन लॉबी है.
Hey guys, so ब्रेकफास्ट ले चुकी हूँ मैं. तो यहाँ पे अभी आज हम लोग जो बैठे हैं बाहर पे बैठे हैं, कल हम लोग अंदर पे बैठे हुए थे. तो हम लोग को अच्छा लगा आज ये जगह. कल रात को कुछ पता नहीं चल रही थी एक्चुअली, काफ़ी अंधेरा था तो कुछ नहीं पता चल रहा था कि कहाँ कैसा है क्या है. बट आज मॉर्निंग में यहाँ पे आए पहुँचे तो इतना प्यारा लोकेशन है बाहर का, तो हम लोग प्रेफर किए यही आउटसाइड पे बैठने के लिए. और सामने मुझे पूरा सी दिख रही है, पूरा सी व्यू है और इतना प्यारा लोकेशन है कि मैं बता नहीं सकती आपको. और ये सी देखते देखते ब्रेकफास्ट करने की मज़ा ही कुछ अलग है. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज ब्रेकफास्ट पे क्या ली हूँ यहाँ पे. हो गया हम लोग का ब्रेकफास्ट. नाउ हम लोग अभी जा रहे हैं बीच की तरफ. कनेक्टेड टू द लीला. तो आप यहाँ पे आराम से आके बैठ सकते हैं एंड इट इज़ ऑसम गाइस, इट्स ऑसम व्यू. यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट भी है और मुझे लगता है कि आप अगर यहाँ पे आते हो लीला में, यू नीड नॉट टू गो आउट समवेयर एल्स, क्योंकि ये इट्सेल्फ इज़ अ लाइक अ फुल डे टूर. Thank you.
तो ये है हम लोग की रूम एंट्रेंस। तो गाइस कल काफी रात हो चुकी थी तो हम लोग कल शूट नहीं किए थे, इसीलिए रूम के अंदर। तो आज आप लोगों को दिखा रहे हैं हम लोग के रूम के अंदर क्या है। और ये कुछ ऐसे जगह है, यहाँ पे हम लोग का लगेज रखा हुआ है, यहाँ पे कबर्ड दिया हुआ है और इधर पे है वॉशरूम। तो ये अंदर पे वॉशरूम दिया हुआ है एंड हियर इट इज बाथटब। सो गाइज ऐसे कुछ है, तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स यू कैन क्लोज इट। उसके बाद ये है आपका, यहाँ पे कबर्ड दिया है इसने। सो ये कबर्ड की लाइट बंद हो जाती है अगर आप कबर्ड ठीक से बंद करते हो। पता नहीं ये क्यों ही बंद हो रही है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। तो ये है हम लोग की रूम। इसका रूफ जो है ऐसा है, कुछ लाइटिंग बहुत अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे। साइड से आप देख पा रहे हो फॉल सीलिंग के यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा लुक्स दे रहा है ये लाइटिंग की वजह से। और ये फैन भी काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिनी बार भी दिया हुआ है। और उसके बाद ये है हम लोग की बैल्कनी। तो मैं भी बैल्कनी ओपन कर रही हूँ। तो ये मैं बैल्कनी ओपन करके मैं अभी बाहर गई। तो ये है ऐसा, यहाँ से यहाँ पे दो बैठने की जगह भी है, तो आप आराम से रिलैक्स करके यहाँ पे बैठ के टी कॉफ़ी कुछ भी पी सकते हो और यहाँ का जो व्यू है व्यू का एंजॉय कर सकते हो। और ये है लगून सामने, और चारों तरफ आप देख पा रहे हैं सिमिलर काइंड ऑफ कॉटेजेस है यहाँ पे। सो बेसिकली हम लोग जो लिए थे, हम लोग लगून व्यू लिए थे, तो हम लोग को ये वाला रूम मिला। तो ऐसा है तो कुछ। अभी जैसे थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पे बैठते हो तो काफ़ी अच्छा था मॉर्निंग का वेदर यहाँ पे। मैं जब मॉर्निंग में उठ के जब बैल्कनी में आई थी तो बहुत अच्छा था वेदर, थोड़ा सा ठंडा था। अभी जैसे थोड़ा सा डे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है तो थोड़ा सा गर्मी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ लोकेशन बहुत अच्छा है और व्यू काफ़ी अच्छा है। वैसे धूप नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि धूप नहीं है, तो थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है इसीलिए। दो इट इज़ लिटिल बिट ह्यूमिड बट देन स्टिल धूप नहीं है इसीलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हम लोग को। तो व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से, और मॉर्निंग में बहुत रिलैक्सिंग व्यू रहता है यहाँ पे। आराम से आप बैठ के बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। और प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। हम लोग तो अभी पूरा प्रॉपर्टी घूमे भी नहीं है, तो हम लोग का प्लान है कि हम लोग अभी कुछ देर बाद फिर से रेडी होके फिर हम लोग निकलेंगे। हाइजीन वाइज अच्छा है, काफ़ी ये लोग अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। और हम लोग जैसे ही आए हम लोग का पूरा बैग वगैरह ये लोग सैनिटाइज किया, और टेम्परेचर चेकिंग वगैरह ये सब तो हुआ ही है। तो ये सब मामले में एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। तो साउथ गोवास बेसिकली लोग आते हैं रिलैक्स करने के लिए, बहुत हसल बसल नहीं है यहाँ पे। माउंटेन है चारों तरफ, बीच में सी है, तो व्यू वाइज बहुत ही प्यारा लोकेशन है साउथ गोवा। तो आप लोग अगर सीरियसली सिर्फ रिलैक्स करने के लिए आना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन प्लान फॉर साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा हम लोग अभी तक गए नहीं है, हम लोग का नेक्स्ट 2 डेज में हम लोग जाने वाले हैं नॉर्थ गोवा। सो वी विल अपडेट देयर ऑल्सो हाउ द कंडीशन इज एंड हाउ द सिचुएशन देयर। एंड अंटिल देन, इफ यू हैवन सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट। एनी वे गोवा से बहुत सारी अभी वीडियोज आना बाकी है। हम लोग तो जस्ट अभी पहला दिन है हम लोग का गोवा का, तो आप लोग हम लोग के साथ बने रहिए, हम लोग आपको दिखाते रहेंगे, टूर करवाते रहेंगे गोवा की।